जी हाँ, मैं परेशान हूँ। बहुत बार लोग मुझसे यही पूछते रहते हैं, आपका स्कूल 3 इडियट स्कूल है, आप फुनसुख वांगडू हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जी नहीं, मैं फुनसुख वांगडू नहीं, मैं सोनम वांगचुक हूँ। और मैं ख्वाबों में, फिल्मों में नहीं, जीवन में कुछ काम करता हूँ। और हो सके तो ऐसे समाधान भारत से बाहर भेजकर भारत का कुछ नाम भी बनाएं। मगर पूछते हैं लोग, जर्नलिस्ट, युवा लोग, और मैं चाहता तो हूँ कहना कि कोई संबंध नहीं है उस फिल्म से, मगर वो भी फिर झूठ होगा। और झूठ कभी मैं बोलता नहीं, सिवाय इस वाले के जो कि अभी बोला। तो सच क्या है, मैं ये आपको बताऊं और आज के इस जोश टॉक्स के साथ इस किस्से को ख़त्म ही कर दूं, ताकि मुझे बार बार बताना ना पड़े ये क्या है, ये क्या संबंध है। ये बात 2008 की है। लद्दाख में हमारे शिक्षा में जो काम हो रहे थे उसको सम्मान देते हुए एक चैनल CNN IBN ने हमें रियल हीरोज अवार्ड से पुरस्कृत किया। और उस अवार्ड को लेने के लिए मैं बम्बई पहुंचा और वहां उस समारोह में मेरी मुलाकात आमिर खान साहब से हुई। और वैसे मैं फिल्में ज़्यादा देखता नहीं हूं, मगर उनकी जो तारे ज़मीं पे फिल्म है उसका मैं बड़ा फ़ैन रहा हूं। तो बातों बातों में उनसे मैंने एक प्रस्ताव रखा, कहा कि ये जो भारत और पाकिस्तान, खासकर लद्दाख और बाल्टिस्तान जो कि सीमा पर हैं, यहाँ जो सियाचिन को लेके झगड़ा चल रहा है, पागलपन चल रहा है एक बर्फ़ के टुकड़े के लिए जिस पर कि 5 से 7 करोड़ दिन का खर्च होता है, क्या एक फिल्म के माध्यम से ये दिखाया जा सकता है कि अगर यहाँ की जनता और वहाँ की जनता, सरकारें नहीं, फौज नहीं, जनता मिल के बात करें और कहें हट जाइए और ये जो पैसा आप जला रहे हैं उसे शिक्षा में खर्च कीजिए, तो क्या पता ऐसा एक आंदोलन सच में चले और क्या पता ये सच हो जाए। तो उन्होंने गौर से सुना और उसके बाद उस समारोह में मेरे काम के बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई और बात लगभग वहाँ ख़त्म हो गई। मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहूँगा एक छोटी सी क्लिप जो कि उस समारोह की है। बचपन में सुना करते थे, पढ़ा करते थे कि देश के लिए जान देनी चाहिए, मगर लद्दाख में बढ़ते हुए ये देश के लिए जान देने का कारोबार बहुत देखा। और जहाँ एक तरफ मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए जान दिया, मगर इस 21वीं सदी में मेरा ख्याल है कि देश के लिए जान देने की नहीं, जरूर जिंदगी देने की ज़रूरत है। हमारे लद्दाख में जहां सियाचिन ग्लेशियर है, मैं आपको बताऊं, वहां पर बहुत सारे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी माओं ने अपने बेटे गंवाए हैं और इसके लिए क्या कीमत अदा करते हैं हम आप सब अपने कमाई से। सुरक्षा का खर्चा रोज़ाना 5 करोड़ है ऐसा कहा जाता है। और दूसरी तरफ शिक्षा की हालत ऐसी है कि शायद हमारा सर नीचे झुके अगर हम अपने सरहदी इलाकों के स्कूलों की हालत देखें तो मेरी उम्मीद है, एक ख्वाब है कि ऐसे हम एक हालात पैदा करें, हम आप सब मिलके, सरहद के उस तरफ इस तरफ के लोग मिलके, कि ये 5 करोड़ रोज़ाना का जो खर्चा है वो इस सरहदी इलाकों के रक्षा में नहीं, शिक्षा में जाए और वही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। मैं ये किस तरह से हम इस देश में ऐसा और पाकिस्तान में ऐसा हालात पैदा करें कि हम अपने जो बहुत कम हमारे वसाइल हैं, पैसे हैं, उसे हम शिक्षा में खर्च करें, इसको कैसे देश के सामने रखा जाए, सोचता रहा हूं। और ये तारे ज़मीन पे देख के मुझे एक उम्मीद जागी
कि इसे हम एक फिल्म के जरिए दिखा सकते हैं लोगों को कि ये मुमकिन है, और मुझे यही उम्मीद रहेगी कि ऐसा अगर हम दिखा सकें और ऐसा एक अगर दिन आए तो दैट विल बी अ डे आई वुड लाइक टू गिव माई लाइफ फॉर और लिव माई लाइफ। Dialogues that Mrs. Sonam Wangchuk gave, I think Javed bhai, you got to respond to that. Zindagi aur jaan mein jo unhone fark bataya, wo main kabhi bhulunga nahi. Bahut khoobsurat jumla tha aur bade dil se nikla hua tha. To is samaroh ke baad kuch hi mahinon baad main earth architecture yani ki mitti ke bhavanon ka ki vastukala seekhne France chala gaya. और फिर 2009 के दिसंबर के अंत में मुझे ढेर सारे ईमेल्स आते हैं दोस्तों से, पत्रकारों से, कि आपके बारे में जो फिल्म निकली है वो बहुत अच्छी है। मैं परेशान, ये क्या फिल्म है और आपके स्कूल को दिखाया गया है? मैं फ़ोन करता हूँ अपने विद्यालय में कि ऐसा कोई फिल्म बनाया, तो वो कहते हैं कि हाँ फिल्म बनाने वाले आए थे मगर कुछ रहस्य रख रहे थे, बता नहीं रहे थे क्या फिल्म है, और हमने देखा कि वो लोग बहुत प्लास्टिक का कचरा लाने वाले हैं और हमने मना कर दिया, तो उन्होंने फिल्म पास के किसी और स्कूल में बना लिया। और फिर पता करता हूँ तो पता चलता है कि ये जो वाक्या था ये अप्रैल 2008 की थी, जबकि उस फिल्म की कहानी को बंद किया जा रहा था और शूटिंग अगस्त 2008 में शुरू होने वाली थी। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि कितना इससे रिश्ता है इस फिल्म से, मगर मैं फिल्मों के जीवन में नहीं रहना चाहता। इस देश को फिल्मों की ज़रूरत नहीं है, हम अपने इस देश में बॉलीवुड और क्रिकेट को कुछ अधिक ही महत्व देते हैं। हम अपने जीत भी फिल्मों में जीतना चाहते हैं, हम अपने आविष्कार भी फिल्मों में करना चाहते हैं, जबकि वास्तविक जीवन में ज़रूरत है इनकी। तो मैं, मेरे पास इतना वक्त भी नहीं कि इनके इर्द गिर्द घूमूं। हाँ, मैंने ये ज़रूर सोचा जब ये मुझे ईमेल्स आए कि मैं उनको लिखूं, मगर फिर क्या सुनता हूँ कि उस फिल्म के रिलीज़ होने की कुछ ही देर बाद एक घमासान सा हुआ चेतन भगत जी के और फिल्म निर्माताओं के बीच में कि ये क्या है, कहानी किसकी है। और मैंने सोचा भाई इस वक्त तो ना लिखूं, कहीं ये ना सोचें कि मैं भी कुछ पैसा मांगने के लिए आ रहा हूं, तो मैंने न लिखना ही ठीक समझा। और दो साल तक मैंने इंतज़ार किया, क्योंकि ऐसे क्लेम करने के लिए दो साल के अंदर करना होता है। जब वो ख़त्म हुआ तब मैंने ज़रूर एक चिट्ठी लिखी कि ऐसा ऐसा हमारी मुलाकात हुई थी और ऐसा एक फिल्म निकला है, और मुझे कोई जवाब नहीं आया। और जवाब का मैं इंतज़ार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि काम और हैं, मुझे अपने काम को भारत और भारत से बाहर दुनिया तक ले जाने का ज़्यादा शौक है।